Hello everyone, I am Chef Rekha Pandit from Indore. Welcome to my channel Art of Cooking. आपको मेरे शो कैसे लगते हैं ये जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करें। जो रेगुलर हम लोग चटनियां बनाते हैं वो खा खा के बहुत उब जाते हैं। कई बार इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो हम नहीं बना पाते हैं। कई बार होता है कि कुछ नया बनना चाहिए, और जब हम सैंडविच बनाते हैं तो चटनी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है सैंडविच का, तो उस वक्त हम चटनी कहाँ से लाएं और क्या करें। मैं बहुत सारी चटनियां बनाती हूँ, बहुत तरह की बनाती हूँ, और उन चटनी को पीस के हम फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं, जब जरूरत होती है तो निकाल लेते हैं, और कभी अगर ऐसा नहीं होता तो टाइम पर भी हम चटनी बनाते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ एक सैंडविच की चटनी बनाना। जो इंग्रेडिएंट्स हमें सैंडविच की चटनी के लिए लगेंगे, देखिए, हरा धनिया हाफ कप, 3 से 4 हरी मिर्च आपकी टेस्ट के अनुसार लेना, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून भुनी चने की दाल यानी दालिया, बिना मिर्ची की फीकी सेव 2 टेबलस्पून, आधा नींबू का रस लेमन जूस, 1 टीस्पून सौंफ मोटी सौंफ, 1 इंच अदरक और थोड़े से बर्फ के टुकड़े, ये सब चीजें हमें इसके लिए लगेंगी। चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सौंफ, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून भुनी चने की दाल यानी कि दालिया, सेव बारीक 2 टेबलस्पून और नमक, ये मैं ले लेती हूँ, ये नमक 1 टीस्पून ही लेना है। तो ये लेके पहले हम इन ड्राई मसालों को पीस लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इसको पीसती हूँ। देखिए, हमने इसको पहले ड्राई पीस लिया और फिर अब इसमें मैं डालूंगी अदरक, लेमन जूस, ये मिर्ची, और इसको मैंने देखिए ऐसे भिगो के रखा था। और दूसरी बात, मैं हमेशा बहुत बारीक धनिया काटती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा रफली चॉप किया है क्योंकि हमें पीसना है। और दूसरी बात, इसकी डंडियां भी हमने ली हैं, है ना, तो इसकी जो स्टेम है वो भी लेना आप। तो ये लिया है, और धोने से इसमें हमेशा नीचे मिट्टी बैठती है तो बिना धोए कभी भी ना डालें, है ना। देखिए, ये हमने लिया है इस तरह से, और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, थोड़ा सा नींबू का रस इसमें हम डालेंगे, तो नींबू के रस से थोड़ा पानी तो इसमें आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम इसमें आइस के टुकड़े डालकर ही पीसेंगे। बाद इसमें मैं बर्फ के पीसेस डाल रही हूँ ताकि थोड़ा पानी धनिये में भी है और थोड़ा इसमें भी है, और ये अच्छी तरह से पीस जाए। ये पिस गई है चटनी, देखते हैं क्या आया है। इस तरह से ये चटनी पिस के आएगी और इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए, बहुत अच्छी आई है, कलर कितना अच्छा ग्रीन आया है। जब हम सैंडविचेस में इस तरह के ग्रीन कलर की चटनी लगाते हैं तो सैंडविच का कलर बहुत अच्छा आता है। बहुत अलग टाइप का है, जब हम इसमें सेव डालते हैं तो सेव के अंदर थोड़ा सा ऑयल भी रहता है तो उससे भी इसका बहुत अच्छा लुक आता है। बर्फ से ये इसको काला नहीं होने देता चटनी को, क्योंकि जब मोटर चलती है मिक्सी की तो मिक्सी गर्म होती है जिसकी वजह से ये ऐसे आता है, है ना। तो देखिए, ये रेडी है। देखो, ये
सैंडविच की चटनी बहुत बढ़िया बनी है, बहुत अच्छे से पिसी, बहुत अच्छे से। और इसको हम किसी भी चीज पे, वैसे तो इसको हम खा सकते हैं पराठों के संग, रोटी के संग, मेन कोर्स में हम जो चटनी परोसते हैं उसके संग दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये चटनी बनाई जाती है सैंडविचेस के लिए। जब हम खीरे के सैंडविच, चटनी के सैंडविच बनाते हैं उस वक्त इस चटनी का यूज करें तो बहुत अच्छा है, और इसका जो स्मूथ टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया है।